हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं रमेश योगी आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते राजस्थान का जो नाम है, ये राजस्थान कब पड़ा, किसने दिया। तो दोस्तों, बात ये है कि राजस्थान का नाम पहले राजस्थान था नहीं। अब तो बात यह आती कि राजस्थान नाम नहीं था तो था क्या, राजपूताना। तो दोस्तों, राजपूताना नाम भी पहले था नहीं। क्या होता है कि यहां पर राजपूत शासकों का शासन होने के कारण इसको पहले नाम मिलता है राजपूताना। और जो ये राजपूताना शब्द है, ये पहली बार 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के संबंध में। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर राजा रजवाड़ों और राजपूत राजा थे, उनका शासन था। इस कारण उन्होंने इसको राजपूताना नाम दिया। और इस बात का उल्लेख हमें विलियम फ्रैंक लिन ने जो एक पुस्तक लिखी, मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिर्जार्ज थॉमस नामक, जो ये किताब है, ये बुक है, ये पुस्तक है, इसके अंदर हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का बात करें तो राजपूताना से बना राजस्थान, और राजस्थान शब्द सन 1829 में कर्नल जेम्स टॉन्ट ने अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस बात का उल्लेख मिलता है हमें राजस्थान शब्द के बारे में। कर्नल जेम्स टॉन्ट की एक पुस्तक है, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक के अंदर हमें इस शब्द का के बारे में मिलता है। तो दोस्तों, बात अब यह आ जाती है कि कर्नल जेम्स टोंड का यहाँ पे नाम आया तो थे कौन, कहाँ से आए। तो दोस्तों, ये इंग्लैंड के थे। और बात करें तो ये इनका जन्म 20 मार्च 1782 को होता है, और ये भू सर्वे अधिकारी बन जाते हैं। भू सर्वे अधिकारी बन के भारत आते हैं। भारत में ये पहले पश्चिमी बंगाल में आते हैं अधिकारी बनकर। 1798 के अंदर ये भारत आ जाते हैं, और भारत आने के बाद वहाँ से ये पश्चिमी बंगाल से फिर ये राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में 1806 के अंदर आते हैं। राजस्थान में की मैं बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम ये कहाँ आते हैं, तो ये राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आते हैं। भीलवाड़ा में एक जगह है मांडलगढ़, मांडलगढ़ में ये आ जाते हैं। और यहाँ पे जब ये आते हैं तो भीलवाड़ा में आने के बाद इनकी यहाँ मुलाकात होती यति ज्ञानचंद्र चंद्र जी से। यति ज्ञान चंद्र जी से जब मुलाकात हो जाती है इनकी, तो यति ज्ञान चंद्र जी को ये अपना गुरु मान लेते हैं, और गुरु मानकर यहाँ से ये अपना राजस्थान का जो इतिहास है वो लिखना प्रारंभ करते हैं। कर्नल जेम्स टोंड को बात बताए हम आपको, तो राजस्थान के आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है।
ये कर्नल जेम्स टोंड को कहा जाता है। अरे ये जो राजस्थान का इतिहास लिखते हैं तो ये यति ज्ञान चंद्र जी की यज्ञा अनुसार लिखते हैं, इनकी आज्ञा मिलते ही रहती हैं, तो ये इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही ये राजस्थान का इतिहास लिखना प्रारंभ करते हैं। और बात बताएं दोस्तों, यति ज्ञान चंद्र जी ने इनको जब ये राजस्थान के बारे में बता रहे थे तो इनको कुछ जानकारियाँ थोड़ी गलत भी दे दी होगी, जिनको बाद में गौरी शंकर हीरा ओझा ने सुधार किया, उनमें ठीक किया। और दोस्तों बात करें कर्नल जेम्स टोंड की, तो कर्नल कर्नल जेम्स जेम्स टोंड था इनका नाम, लेकिन इनको कर्नल की जो उपाधि मिली वो 1813 के अंदर मिली थी है, और यहाँ से ये 1818 में से 1822 में ये यहाँ क्या करते हैं राजस्थान में, अब पॉलिटिकल एजेंट बनकर पश्चिमी भारत की यात्रा करते हैं। दोस्तों बात ये है कि हम एक पूरा वीडियो जेम्स टोंड के ऊपर हम बनाएंगे, हम इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिनमें कर्नल जेम्स टोंड जी की सारी जानकारी होगी, इनके जीवनी का, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी पढ़ाई कहाँ हुई, ये सब उस वीडियो के अंदर डाल देंगे हम। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब बात ये है दोस्तों कि ये भीलवाड़ा मांडलगढ़ में आ जाते हैं, सर्वप्रथम मांडलगढ़ में आने के बाद ये यति ज्ञान चंद्र जी मिल जाते हैं। हाँ। अब ये यहाँ पर ही एक शिला लेख है, मान मौर्य शिला लेख, एक शिला लेख है मान मौर्य शिला लेख, उनकी खोज करते हैं। कौन करते हैं? ये करते हैं कर्नल जेम्स टोंड जी। अब बात यह है मान मौर्य शिलालेख और गिरनार शिलालेख, दोनों शिलालेखों की ये खोज करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि जो मान मौर्य शिलालेख है ये गुजरात में, मान मौर्य शिलालेख, सॉरी दोस्तों, कि मान मौर्य शिलालेख है ये अपना उदयपुर, जब ये जाते हैं तो उदयपुर में एक मानसरोवर झील है, एक सरोवर है, तालाब है, उस तालाब के किनारे से ये मिल जाता है इनको। और जिस जो मान शिला लेख है ये मिलता है, और फिर यहाँ से ये गिरनार जाते हैं, तो गिरनार में ये उदयपुर, उदयपुर से तो मान मौर्य शिला लेख मिल जाता है, और जो गुजरात जाते हैं तो गुजरात से गिरनार शिला लेख इनको मिलता है। दोस्तों ये मान मौर्य शिलालेख है, इसका भी मान मौर्य शिलालेख, गिरनार शिलालेख, शिलालेखों का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी, शिलालेखों की संपूर्ण जानकारी करेंगे देंगे, शिलालेख प्रस्तुति लेख क्या होते हैं इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे। तो मान मौर्य शिलालेख को क्या कर रहे थे दोस्तों, ये जब 1922 में इंग्लैंड जब वापस जा रहे थे, अपने देश को वापस जा रहे थे, तो जहाज में वजन बहुत अधिक हो जाने के कारण जहाज के अपनी क्षमता के से वजन बहुत ज्यादा हो गया था, तो जब ये बम्बई तट से जा रहे थे तो जहाज क्या होता है कि जहाज पानी में डूबने लगता है, तो जहाज पानी में डूबने के कारण ये विभिन्न वस्तुओं को समुद्र में फेंकना स्टार्ट करते हैं, और तो ये मान मौर्य शिला लेख को भी समुद्र में फेंक देते हैं। तो वर्तमान में बात करें कि शिला लेख के जो मान मौर्य शिला लेख के ये वर्तमान में उपलब्ध हैं, तो ये ऐसा हम कह नहीं सकते कि उपलब्ध हैं, ये उस समय जब 1822 में वापस जा रहे थे तो वहां से उसको फेंक देते, समुद्र में फेंक देते हैं, वजन बढ़ जाने के कारण। और जो इनकी पुस्तकें एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान,
ये पुस्तक भी दोस्तों विभिन्न दो भागों में प्रकाशित होती हैं। इसकी जानकारी ये कौन कौन से भागों में प्रकाशित हुई इनके बारे में मैं आपको, और दो भागों में जो प्रकाशित हुई उनमें किस भाग में क्या वर्णित है ये हम आपको सारी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।